पनीर शास्लिक। पनीर शास्लिक बनाने की विधि, एक बॉल में तेल डालें, इसके बाद थोड़ा नींबू का रस, अदरक लहसुन का पिसा हुआ मिश्रण, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, नमक, आमचूर या फिर चाट मसाला, लाल मिर्च का पेस्ट और दही, इन सभी पदार्थों को अच्छे से मिलाएं। इस तरह हमारा मसाला तो तैयार हो गया है। अब हमें इसमें लाल शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च और पीला शिमला मिर्च, प्याज के कटे मोटे मोटे टुकड़े डालने हैं। एक बार इन्हें मिलाकर आप डालें इसमें पनीर भी। अब एक बार और मिलाएं हल्का। अब आप एक सीख ले लें। इसमें पहले आप प्याज को डालें और लाल, पीला, हरा शिमला मिर्च और फिर पनीर की बारी। इसे ऐसे बारी बारी अपने पसंद के हिसाब से सीख के अंदर डालें। इसके बाद चाहें तो आप जैतून भी डालें और इसके बाद फिर से शिमला मिर्च, पनीर और आखिरी में प्याज। अब चूल्हा चालू करें और इस पर ग्रिल पैन रखें। इस पर ब्रश से थोड़ा तेल लगा लें और अभी सब्जियों से भरे सीक को पैन पर ऐसे रखें और थोड़ी देर चारों ओर इसे पकाएं। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का थोड़ा भूरा रंग आने तक। अब चूल्हा बंद कर दें और इन सब्जियों को सीक से निकाल कर या फिर ऐसे ही फोक से खाएं।